किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ है। राकेश जी, आज महापंचायत महाखाप भी बुलाई आपने, क्या उद्देश्य है? पंचायत है तो पंचायत में लोग आएंगे गाँव में से, निर्णय क्या निकालने वाले हैं? नहीं बैठेगा तो पंचायत होगी। नहीं, आपने कहा ना कि खाप पंचायत का इतना बड़ा इतिहास रहा है और ऐतिहासिक फैसले रहे हैं, तो इस आंदोलन को लेकर आंदोलन वही बताएंगे क्या रूपरेखा रहेगी, बैठेंगे वे बोलेंगे यहाँ से मंच से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने में जो समिति बननी है 8 लोग, उसमें एक आपका भी नाम है, नाम आएगा तो जंग क्या पक्ष रखेंगे कोर्ट के अंदर? अभी कोई कोर्ट से हमारे पास तो कोई मैसेज आया नहीं। जी नहीं, कोर्ट के सामने कुछ तो रखेंगे ना कि भाई ये कानून का विरोध जो कर रहे हैं, कानूनी इसमें क्या बाधाएं? कानून की बात नहीं कोर्ट कर रहा, कोर्ट ने ये कहा है स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को कि आप एक कमेटी बना के इनसे बात करो, समाधान निकालने के, बातचीत के लिए उन्होंने कहा है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि सड़क पे इसका फैसला होगा या कोर्ट के अंदर होगा या आपके और सरकार के बीच विज्ञान के अंदर? नहीं कोई हो तो बाहर बैठेंगे, जो लोग बैठेंगे तो बाहर बैठ बात करेंगे। आगे क्या देख रहे हैं, आंदोलन किस तरफ रहेगा? आंदोलन तो चल ही रहा, आंदोलन पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तो कुल मिला के जो ये मामला है अब कोर्ट में ही पहुंच चुका है और जो किसान नेता है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और आपको दिखाएं तो गाजीपुर बॉर्डर पर देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर जो है लगातार बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक इनका आंदोलन इस तरह से चलता रहेगा। जनीत तनवीर के साथ जनीत भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।